शडोला करो जनाब, तुहाडी वीडियो बनाने सारे पाकिस्तान नूं बरेलवी कर लो। सुनाया था ना आपको? नहीं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रात को जिक्र कर रहे थे, हल चला रहे थे साथ। अल्लाह अल्लाह का जिक्र, तो बारात जा रही थी, एक बारात अहमदपुर की तरफ, अंधेरी रात थी, रास्ता भूल गए, तो आवाज जो आई, उन्होंने कहा अल्लाह वाला कोई नेक आदमी आधी रात को अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी से चल के रास्ता ही पूछ लो, दूल्हा और बाराती साथ हैं, तो वो बारात चली गई उनके पास, उनके खेत में, तो आप खाल भी चला रहे हैं और जिक्र इलाही भी कर रहे हैं, तो उनसे पूछा बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, अहमदपुर को जानते हैं? इधर है। फरमाया हाँ जानता हूँ। तो जा फिर। हम रास्ता भूल गए हैं, जरा रास्ता तो बता दें, अहमदपुर का रास्ता भूल गए हैं, जरा रास्ता तो बता दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। सर 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 सर। अगर सुल्तान बहू की बस्ती से चंद मील, दस कालमन को दस भी अब याद नहीं रहा, चंद मील के फासले पर अहमदपुर सियाल है, उस जगह का नाम क्या है? अहमदपुर। अबे जल्दी बोल, कल सियाल है। तो फरमाया पूछा रास्ता बता दे, फरमाया मेरे पीछे हो जाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। इकट्ठे हो गए ना, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें आगे ले चलता हूँ रास्ते की तरफ। लगे कहानी शुरू होने लगी है। सारी बारात को पीछे लगा दिया, पर मैं आंखें बंद करो, बारात ने कहा ये अजीब रास्ता, जी रहबर हैं, बजाय रास्ता दिखाना है रास्ता और आंखें बंद करवाता है। मनहूस आदमी, आंखें आगे सबक आएगा। मसलन ये इसी किस्म की हिदायत से भरी पड़ी है कि रास्ता अगर सही देखना हो तो आंखें बंद करनी पड़ती है। देख रहे यार कैसा चवल आदमी है, इसने क्या हरकत की हुई। आंखें बंद करवाने की हिकमत क्या होती है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो सारा सुराब और फरेब है, जो कुछ हम देख रहे हैं वो पर्दा है, तो आंखें खुली हैं और खुली आंखों में जो हमें दिखाई दे रहा है वो सारा धोखा है। अच्छा, वो सारा धोखा है। लिहाजा अगर हकीकत को देखना है तो पहले धोखे को देखना बंद करेंगे तो हकीकत नजर आएगी। आंखें बंद करने का राज बता रहा हूं। नहीं चाहिए, रखा अपना सर्टिफिकेट। इन आंखों ने तो देखना ही धोखा है, ये तो धोखे में पैदा हुई, धोखे में पली पड़ी, धोखे में जवान हुई और धोखे की आदत पड़ गई। वेरी डेंजरस। अब ये सिवाय धोखे की और देखती कुछ नहीं, और हकीकत दिखाए तो इन आंखों को नजर नहीं आती, इसलिए फरमाया आंखें बंद कर लो, धोखे को देख रहे हो आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करवाई, आगे चले दो कदम चले, फरमाया आंखें खोल लो। प्रैंक हो गया आपके साथ। दो कदम चलते उन्होंने आंखें खोली तो गुंबद खजरा के सामने खड़ा करना। गुंबद खजरा के सामने खड़ा कर दिया और फरमाया कि बारात वालों मैं तो इस अहमदपुर को जानता हूं। हम तो एक ही को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। वला नअलमु शैयन, बस हम तो उसने यार को भेज दिया, हम उसी को जानते हैं और किसी को जानते ही नहीं, और मानते भी नहीं। फरमाने लगे हम तो इसी, मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूँ। वो कहने लगे कि ये तो आप तो मदीना शरीफ ले आए, हम तो दूल्हा और बारात को ले जा रहे हैं, दुल्हन वाले इंतजार, हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। आप किधर ले आए? फरमाया मैं तो बस एक ही को जानता हूँ और कोई नहीं जानता। भला ना आलम शैयन, और नहीं पता कोई होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस स्टेटमेंट की वजह से, सानू तो मौका चाहिए होता है एंट्री मारने का। जो मसले डाल डाल के समुद्रों पे नमाजें पढ़ते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया क्रॉस कर जाते हैं, हज़रत उमर को पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। आपने अक्सर सुना ना जी, वो फजर पढ़ते सन जी मक्का शरीफ, जोर पढ़ते सन मदीना शरीफ, ते मगरिब इशा जाके ना पता नहीं जमा तो नहीं करते होने, जाके पढ़ते सन बैतुल मकदिस, फिर फजर उथे पढ़ते सन। हम ये पूछते हैं साहबा को तो ये बात पता नहीं थी। सही मुस्लिम में हदीस है, एक सहाबी ने मस्जिद नबी के करीब घर लिया तो नबी इस्लाम वहां से गुजर रहे थे, आपने फरमाया ये तूने घर लिया या रसूलल्लाह? तो फरमाया इधर क्यों करीब घर लिया? कि या रसूलल्लाह इतनी दूर से चल के आना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से जमात में पहुंचता था, थक जाता था, तो क्योंकि मैं उड़ तो सकता नहीं हूं, तो बुजुर्गों का काम है उड़ना, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में बता रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग हो रही साथ साथ। तो आपने फरमाया इतनी दूर से तुम चल के आते थे, जितने कदम तुम चलते थे तुम्हें सवाब मिलता था। वो सहाबी ने जनाब मकान बेच के फिर वापस उधर चले गए। तो बुजुर्ग थे उड़ते फिरते ने,
वो तो बेचारे दूसरे महल से आके थक जाते थे। ये हम इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग खुले, कि बुखारी मुस्लिम में तो साहबा के ऐसी वाकयात नहीं मिलते, जो करामात भी मिलती है। मैंने 4 लेक्चर दिए, मसला 131 ABCD, जिसमें मैंने साहबा की करामात, नबी इस्लाम के मुर्जात बताए जो सही सनद से साबित है, वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने उनके हक में कबूल कर ली है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करके कुछ नहीं दिखा सकता। सही।